लेकिन सुविधा के साथ में यहाँ जब देखिएगा तो मौत का कुआं ऐसे भी देखा कि गाड़ी जो है पलट गई, उसमें एक दो लेडीज को चोट लगाया है। साइकिल वाला, मोटरसाइकिल वाला, ठेला रिक्शा वाला इसमें गिरते हुए में। तो आप देख रहे हैं सरसाटू, मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। इस वक्त हम है तखत साहब के बगल में, गली है तख्त श्री हरमंदिर साहब का, पटना साहब का बगल में गली है, वो गली है बाड़े की गली। अक्सर यहाँ पे अगर देखिएगा तो बाल लीला मैनी संगत गुरुद्वारा से जो भी सिख श्रद्धालु आते हैं, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे बच्चियाँ जाते हैं, घर के लोग जाते हैं, तमाम लोग जाते हैं। यूँ कह सकते हैं कि 2400 घंटा इस गली में आवागमन की सुविधा है। लेकिन सुविधा के साथ में यहाँ जब देखिएगा तो मौत का कुआं ऐसे भी जब देखा जाता है। मौत का कुआं कहाँ होता है? जो सर्कस या जादूगर में दिखाया जाता है कि मौत का कुआं किसे कहते हैं, मैं आपको लाइव दिखला रहा हूँ, इसी मौत का कुआं यहाँ पर है। और सिर्फ एक ही कुआं नहीं है, बल्कि बारह गली से अपील कीजिएगा गुरु गोविंद सिंह बालिका उच्च विद्यालय से, तो खाली मौत का कुआं ही नजर आएगा। आज अब से कुछ ही देर पहले एक गाड़ी हवा हवा यहाँ पे पलटी मारता है, कुछ महिलाएं बैठती है और उसमें दुर्घटना का शिकार हो जाती है, घायल हो जाती है। इसका जवाब दे कौन? नगर निगम, निगम प्रशासक, या फिर सरकार, या फिर कोई और कोई सिस्टम, यहाँ के मोहल्ला अड़ोस पड़ोस वाले? हम सीधे सवाल आपसे ही पूछते हैं। लगातार यहाँ देखने को मिला है कि सिर्फ एक ही चैम्बर नहीं है, बल्कि अगला चैम्बर भी जाइएगा तो इसी तरह का चैम्बर आपको मिलेगा, खुला हुआ ही मिलेगा। मौत का दावत देना है तो इस गली में आप आए। एक और यहाँ देखिएगा तो यहाँ भी मौत का कुआं है। इसका जिम्मेवार कौन लेगा? कोई नहीं है। सिस्टम, सिर्फ सिस्टम पर ही खेल हो रहा है। और ऐसे ही लगभग 10 से 15 मेन होल खुला हुआ है बीचों बीच सड़क पर, तो गाड़ियों का आवागमन अगर तेज होगा तो जाहिर से दुर्घटना का शिकार होना ही होना है। हम सीधे यहाँ के जो स्थानीय हैं, जो पीड़िता है, उनके परिवार से भी पूछ लेते हैं कि आखिर मामला है क्या, कहाँ से आ रहे थे, इस गली से अब क्यों लोग नहीं जाना चाहते हैं। सरकार का हो, निगम प्रशासक हो, या स्थानीय लोग, हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द इस चैम्बर जो खुला हुआ हॉल है इसको अविलंब दुरुस्त कराया जाए, ताकि दूर दराज से देश विदेश से सिख संगत आए। देखा कि गाड़ी जो है पलट गई, उसमें एक दो लेडीज को चोट लगाया है, समझा ना। तो ये तो कई दिन से खुला हुआ है, ढांकने का व्यवस्था होना चाहिए कि ताकि रात बिरात आदमी आवे तो मतलब कि तकलीफ नहीं हो आदमी को। तो लगातार दुर्घटना घटी रहा। हाँ हाँ, कितने दिन से है चैम्बर खुला हुआ? ये तो हम देखिए एतवार को आए, एतवार से देख रहे हैं, हम गए हुए एतवार, एतवार से देख रहे हैं। प्रभात चतुर्वेदी। क्या हुआ प्रभात? अरे पटना से घूम के सब परिवार आ रहे थे ऑटो से, तो बाड़े की गली में कुछ चैम्बर जो खुले हुए हैं इतने खतरनाक और इतने घातक है, जिसका परिणाम है कि आज ये स्थिति हमारे साथ, हमारे परिवार के साथ घटना घटी है कि बेटी का मुंह का ओट फटा है, ब्लड ब्लड आने लगा, और वाइफ थी, वाइफ के भी चोट आई है, उसका भी चश्मे का ग्लास टूट गया, माथे में चोट आई है। एक और रिलेटिव हमारे जयपुर से जो कोई आई हुई है महिला, उनको भी चोट आई है। तो बड़ा दुख होता है ये कहते हुए कि ऐसी धार्मिक नगरी जहाँ सिख गुरु द्वारा है, धर्म नगरी, और ऐसी गुरुद्वारे की बगल वाली गली में ये हालत हो। सिख संगत और बाहर के भी भक्त, धार्मिक भक्त लोग आते रहते हैं, और वैसे लोगों को यहाँ इस तरह की घटना घटे तो और क्या क्या संदेश लेकर वो लोग जाएंगे, और क्या यहाँ का अनुभव लेकर जाएंगे। बड़ा दुख होता है, बड़े पीड़ा के साथ कहना पड़ रहा है कि पटना नगर निगम और ये स्थानीय जो MLA महोदय हैं, इन लोगों को भी नज़र ध्यान देना चाहिए कि ऐसी चीज़ें, ये घटना घटे, या हमारे साथ हो या अन्य के साथ हो, घटना घटना है, दुखद घटना, जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। ऐसे मैं आग्रह करूँगा नगर निगम प्रशासक से और स्थानीय MLA महोदय से भी, इस चीज़ पर तुरंत कार्रवाई की जाए और इसको तुरंत ढकने का जितनी जल्दी हो सके ये हो सके, ताकि हमारे साथ जो दुर्घटना घटी है ये अन्य परिवार, किसी परिवार के साथ ऐसा घटना ना घटे। ऐसी है कि मैं तो लगातार गुरुद्वारा इसी रास्ते से ही जाता हूँ, लेकिन कई दिनों से मैं देख रहा हूँ कि ये चैम्बर जो है खुला रहता है, और आगे भी मैंने निवेदन किया था कि चैम्बर खुला रहता है, कि भी घटना घट सकती है, और लगातार मैंने देखा साइकिल वाला, मोटरसाइकिल वाला, ठेला रिक्शा वाला इसमें गिरते हुए मैंने देखा। हाँ, तो जब मैं घर से निकला तो देखा कि एक टेम्पू जो है वहाँ लगा चैम्बर में और गिर गया, और कई महिलाएँ घायल हो गई।
तो मुझे बहुत पीड़ा होगी। और तो मैं आप ऐसा जो घटना घट रही है, आने वाले लोग अगर मान लिया यात्री है, स्कूल है यहाँ, यात्री गुरुद्वारा है, स्कूल के बच्चे जाते हैं, कहीं गिर गए तो उनकी बहुत बड़ी घटना घट सकती है। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन को, शासन को, यहाँ के विधायक जी को, यहाँ के वार्ड पार्षद को, मेयर को, प्रशासन सबको निवेदन करना का चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इसको आप ढकिए ताकि कोई घटना नहीं हो सके, अप्रिय घटना जिस तरह से आज घटना घटी है, लगातार घट रही है। और मैं करीब एक सप्ताह से देख रहा हूँ और एक सप्ताह से कोई ना कोई गिरता ही है, बच्चा हो, छोटा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, ये पूरा गली अगर घूम जाइएगा, हरमंदिर गली की तरफ जाती है, इसके अलावा भी चैम्बर टूटा हुआ है। तो मैंने करीब एक सप्ताह पहले से निवेदन कर रहा हूँ, लेकिन जो होना चाहिए नहीं हो पा रही है। गाली बककर नहीं जाएं कि तखत साहब के बिल्कुल नज़दीक में खुला हुआ मौत का दावत दे रहा है। SSR2 आप देखते रहिए। जय हिंद।